हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब मजे में होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वी आर एक्चुअली कंडक्टिंग द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज फॉर नीट 2021 एग्जाम। इस साल के लिए हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज लेके आए। मतलब बेसिकली हम इस पार्ट में ये डिस्कस करते हैं कि भाई किस स्पेसिफिक चैप्टर के कौन से कंसेप्ट से सवाल ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, और उसको हम लोग रैंडमली डिस्कस करते हैं, वो कंसेप्ट आपको रिकॉल कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आइए। आज का हमारा जो कहानी, आज इस चैप्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हेडिंग आपके सामने ऑलरेडी डिस्प्ले हो रही है। आज हम बात करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट के चैप्टर। यूनिट एंड मेजरमेंट एक ऐसा चैप्टर है जहां से लगभग हर साल आपको एक सवाल बनाया जाएगा। यहाँ पे दो सेगमेंट है, हम दोनों सेगमेंट को दो अलग अलग वीडियो में फ्रेम करेंगे। पहला सेगमेंट जो आता है जिसमें सवाल मोस्टली बनाए जाते हैं डायमेंशन या डायमेंशन एनालिसिस से सवाल बनाए जाते हैं। ये हो गया पहला सेगमेंट ऑफ द यूनिट एंड डायमेंशन पार्ट। और दूसरा सेगमेंट जहां से सवाल बनाया जाता है मोस्ट परफेक्टली बनाया जाता है, दैट इज एरर। मतलब ये सेगमेंट के दो सेगमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है, मतलब दो सेक्शन ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो कंसेप्ट है जिसे आपको ध्यान रखना पड़ता है। एक शॉर्ट में आइए टचअप करते हैं। सो आज हम अभी इस वीडियो को दो वीडियो में फ्रेम करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो, जो कि डायमेंशन और डायमेंशन एनालिसिस और उस पे आए हुए सवाल, किस टाइप के सवाल होता है उस पे हम लोग काम करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के आइए शुरू करिए। चलिए, सो सेगमेंट आपके नाम ध्यान दे रहा हूं, यूनिट एंड मेजरमेंट में आज हम बात करने वाले हैं सेगमेंट कॉल्ड डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस में क्या स्टोरी है बॉस, आइए देखते हैं। सो डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस की बहुत सिंपल सी स्टोरी आपको ध्यान रखनी है। असल में आपके पास सबसे पहला सवाल तो यार डायमेंशन के रूप में पूछा जाता है। मतलब डायमेंशन को अगर आप जिस बांटे तो दो कैटेगरी में होता है बेटा। वन इज दैट इलेक्ट्रिकल डायमेंशन। अब यहां पे इलेक्ट्रिकल डायमेंशन का क्या मतलब हो? सो इलेक्ट्रिकल डायमेंशन मतलब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के डायमेंशन, जैसे करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, ये सारे अगर डायमेंशन है तो उन्हें इलेक्ट्रिकल डायमेंशन कहा जाएगा। एंड सेकेंड वन इज नॉन इलेक्ट्रिकल डायमेंशन। अब ये नॉन इलेक्ट्रिकल डायमेंशन क्या चीज होती है बेटा, देखो। सो व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन इलेक्ट्रिकल डायमेंशन, ध्यान से देखिएगा। सो दिस नॉन इलेक्ट्रिकल डायमेंशन में आता है फोर्स, प्रेशर, वर्क डन, एनर्जी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज। असल में ये वाला सेक्शन थोड़ा आसान होता है और ये वाला सेक्शन थोड़ा चैलेंजिंग होता है। आपको नीट में ज्यादातर सवाल, ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि स्पेसिफिकली एक ही सेक्शन से आता है, बट हाँ वी कैन से दैट कि इलेक्ट्रिकल डायमेंशन की चांसेस जो होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू नॉन इलेक्ट्रिकल डायमेंशन। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल डायमेंशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है कंपेयरिंग टू नॉन इलेक्ट्रिकल डायमेंशन। सो आपको इस बात का ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिकल डायमेंशन कैसे बनाए जाते हैं। मोरओवर अच्छा, अब कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले आपको पता है कि नॉन इलेक्ट्रिकल डायमेंशन में जो टर्म यूज होता है वो होता है एम, एल और टी, और इलेक्ट्रिकल डायमेंशन में एक एडिशनल टर्म जुड़ जाता है विच इज एम एल टी आई। कुछ किताब में इसे आई के नाम में मिलेगा, कुछ किताब में ये ए के नाम में मिलता है, दैट इज एम्पियर। तो आई और ए दोनों भी चीजें वैलिड है, दोनों भी चीजें चलती है, आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग कहानियां मिल जाएगी। राइट ना, चलिए। सो यहां पे इलेक्ट्रिकल डायमेंशन में एम एल टी आई, मतलब यहां पर चौथा फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज करंट या एम्पियर, वहां पर मेंशन किया जा सकता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल डायमेंशन में एक छोटी सी बात आप गौर करेंगे, वो क्या है? जैसे मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डिजाइन करने को बोला है, उसने कहा फाइंड द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इमेजिन करना है, आपने जैसे पूरा फिजिक्स पढ़ लिया है तो आपको ये इमेजिन करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे यू कैन से इजी फॉर्मूला, इजी इन द सेंस जिसके डायमेंशन आप निकाल पाए, वरना आप ये सोचेंगे कि भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बाय आर स्क्वायर मैं लगा देता हूँ, क्या मैं इससे फॉर्मूला इससे यूनिट निकाल पाऊंगा? तो जवाब है यस, निकाल तो पाऊंगा भाई, यूनिट तो निकाल पाऊंगा, बट प्रॉब्लम कहाँ आ जाएगी भाई, अब ये एप्सिलॉन का डायमेंशन मेरे लिए भारी पड़ जाएगा। तो मुझे कुछ ऐसा सोचना है जिससे मेरी चीजें थोड़ी आसान हो जाए, तो मैं इस फॉर्मूले को ना सोच के ऐसा सोचूंगा दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज। तो ये वाला फॉर्मूला मेरे लिए थोड़ा आसान रहेगा, क्योंकि फोर्स का यूनिट भी वेरी वेल होता है कि न्यूटन होता है, और न्यूटन का डायमेंशन निकालना मेरे लिए आसान है क्योंकि मैंने सीखा है, और चार्ज का यूनिट, चार्ज का डायमेंशन मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये चीज से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकाल सकता हूं। ये सवाल समझाने के पीछे मेरा पर्पस बहुत सिंपल है कि आपको सिर्फ सोचना है इस बात को कि भाई इजी वाला फॉर्मूला क्या हो सकता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए मैंने बता दिया, अगर आपको सोचा गया कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट डायमेंशन निकालना है, क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन। लेट अस से अगर किसी ने पूछ लिया भाई एग्जाम में आ गया कि भाई फाइंड आउट करिए मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यार मैग्नेटिक फील्ड के बहुत सारे अलग 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 टाइप के फॉर्मूले और अलग टाइप के रिलेशन आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में फॉर्मूला सोचा जाएगा क्या क्या फॉर्मूला आपके जहन में आता है, उसमें सबसे सिंपल वाला फॉर्मूला क्या है वो आप सोच लो। जैसे मैग्नेटिक फोर्स का एक फॉर्मूला थोड़ा पढ़ा है, बी क्यू वी साइन थीटा। अब आप जानते हैं कि यहां से अगर मुझे बी निकालना होगा तो ये हो जाएगा एफ बाय क्यू इंटू वी, जाहिर सी बात है यहाँ पे साइन थीटा कोई डायमेंशन नहीं होता तो वो फैक्टर वहां पे लेना देना नहीं, तो ये चीजें मेरे लिए थोड़ी आसान हो सकती है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये भी एक रिलेशन जानते हैं दैट वेलोसिटी इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी बंदे को इलेक्ट्रिक फील्ड पता है या हमने डिराइव किया है वी नो दैट, तो ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए आसान हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय वेलोसिटी। तो आपको सिंपल शब्दों में मैं यही बताना चाहूंगा और समझाना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, कैपेसिटर हो, रेजिस्टेंस हो, कुछ भी हो, आपको सिंपलेस्ट फॉर्मूले की तरफ या सिंपलेस्ट फॉर्मूले की तरफ सोचना पड़ेगा एज अ क्लियर। सो डायमेंशनल में दो कैटेगरी जैसे मैंने बताया आपको, इलेक्ट्रिकल डायमेंशन और नॉन इलेक्ट्रिकल डायमेंशन। नॉन इलेक्ट्रिकल डायमेंशन में लगभग हर बच्चा कॉन्फिडेंट होता है, इलेक्ट्रिकल डायमेंशन में आपको कॉन्फिडेंट बनना होगा, एज अ क्लियर। तो चलिए कुछ सवाल ले लेते हैं इस फॉर्मेट को, उम्मीद करता हूं थ्योरी आपको समझ में आई होगी। आइए कुछ सवाल इस फॉर्मेट पर कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी राइट नाउ। चलिए जैसा कि आप सब देख सकते हैं आपको सवाल डिस्प्ले हो रहा होगा, क्वेश्चन इज डिस्प्लेइंग ऑन द बोर्ड, आपको जैसे कि दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल। क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस, तो कुछ सवाल आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा। आइए अब जैसे मान लीजिए एक बड़ा सिंपल सा सवाल लास्ट 2020 में पूछा था, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस बताओ। अब यार स्ट्रेस ये वाला फैक्टर तो बहुत आसान हो गया, दिस इज नॉन इलेक्ट्रिकल डायमेंशन, स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स का यूनिट होता है के जी मीटर सेकेंड माइनस टू, अपॉन एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, एक मीटर ने मीटर की विकेट गिरा दी, आंसर आ गया के जी मीटर माइनस वन सेकेंड माइनस टू, एज सिंपल एज दैट। अब ये डायमेंशन नहीं है भाई, डायमेंशन बनाना है इसका, डायमेंशन है एम वन एल माइनस वन और टी माइनस टू। तो ये सबसे आसान सवाल था जो कि आपको डिस्प्ले हो रहा था, ये सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं गई होगी और नहीं जाएगी, बहुत आसान सवाल हो गया आपके लिए, ठीक है। चलो और कैसे सवाल आते हैं भाई, और कैसे सवाल आते हैं देखो, एक सवाल आपको यहाँ पूछ दिया गया है, सवाल आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, एक सवाल आपके लिए पूछा हुआ है भाई फाइंड द डायमेंशन ऑफ वन अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसका डायमेंशन निकालो। अब ये सवाल अगर किसी बच्चे को एक बेसिक फॉर्मूला है इसका अगर वो नहीं याद है तो ये सवाल उसके लिए लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा? क्योंकि अगर एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना है तो सिर्फ फोर्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो यहां से वो क्या करेगा एप्सिलॉन नॉट निकालेगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएगा भाई दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर,
यहां से वी नॉट का फॉर्मूला निकालेगा, यहां से एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकालेगा, यहां से वी नॉट का स्पेलिंग डायमेंशन निकालेगा और वो पुट करेगा अंडर रूट में, सॉल्व करेगा लंबा चौड़ा टाइम, अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट होगा इस सवाल में अगर वो उसे एक छोटा सा रिलेशन नहीं पता है, दैट इज इसका रिलेशन होता है सी। ये एक फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, किसी बच्चे को अगर ये रिलेशन मालूम है तो चुटकियों में काम हो गए, अगर किसी बच्चे को ये रिलेशन मालूम है तो चुटकियों में काम होगा, क्योंकि ये क्या है, दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये क्या भाई, दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट का यूनिट बहुत आसान हो गया, दिस इज मीटर सेकेंड माइनस वन, फिर खत्म, खेल खत्म, फिनिश, फटास, खत्म। So, ये छोटा सा थॉट हो गया, लेकिन ये सवाल आसान तब हुआ जब आपको ये रिलेशन पता है, बहुत से कम बच्चे जानते हैं, अगर ये रिलेशन नहीं पता तो ये सवाल आपके लिए बना होता दे दी, इस सवाल में से एक हो सकता है। चलिए आइए डायमेंशन एनालिसिस पे और सवाल सॉल्व करते हैं, आगे थोड़ी प्रैक्टिस और करते हैं, फिर डायमेंशन एनालिसिस क्या कहना चाहता है देखो, किस किस टाइप के सवाल आते हैं देखो। ओके, यहां पे एक सवाल और दिया है कि भाई कौन सा, ऐसा सवाल बड़ा स्टैंडर्ड होता है, कौन से पेयर्स के डायमेंशन सेम है, कौन से पेयर्स के डायमेंशन सेम है, जैसे आपको ऑप्शन में वहां पेयर्स दिखाई दे रहा है, पहला पेयर है इंपल्स एंड सरफेस टेंशन, पहला पेयर, दूसरा पेयर है एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क आपको दिखाई दे रहा है, तीसरा पेयर है वर्क एंड टॉर्क, एंड चौथा पेयर है यंग्स मॉडुलस एंड एनर्जी, तो दीज आर ऑल फोर पेयर्स, ठीक है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से पेयर्स का सेम डायमेंशन है। अब ऐसे सवाल थोड़ा सोचना, ऐसे सवाल क्या होते हैं और क्यों होते हैं, ऐसे सवाल में जल्दी बेटा करना क्या पड़ता है, आप सब जानते हैं कि इसमें भैया हम लोग अपने को आठों के डायमेंशन या यूनिट्स निकालने पड़ेंगे और सबके यूनिट निकाल के चेक करना पड़ेगा, तो ये जो सवाल होता है दिस इज टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, ये समय लेता है, इस आसान तो है, दिखने में आसान लग रहा है लेकिन समय लेता है इस सवाल को। अब ये सवाल में अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तब आप ऐसे सवाल बना पाएंगे, जवाब आपको ये मिलेगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इस सवाल को बना पाएंगे, वरना बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट नहीं है बट लेंदी है, और नीट के एग्जाम में इस बात का ध्यान रखिएगा कि समय हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कई से ऐसे सवाल आपको दिए जाएंगे फिजिक्स में जहां पे आप ये सोचेंगे कि आज ये तो आसान है बनाता हूं, लेकिन इसको बनाने के चक्कर में आप दो तीन मिनट खराब करेंगे, वो तीन मिनट कहेंगे नहीं आपके दो इजी सवाल ले लोगे, तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको सारे सवाल बनाने ही है, आपको ये भी सीखना पड़ता है कौन से क्वेश्चन को हाथ लगाया जाए और कौन से क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाया जाए, ये भी चीजें आपको सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए सो ये एक सवाल आपके लिए समझ में आ गया कि भाई सवाल तो आसान था पर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस बेटा, ठीक है, छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, चलिए अगले डायमेंशन की ओर, अगले कहानी की ओर बढ़ते हैं, आपको सिंपल सवाल आपको दिखाई दे रहा है कि भाई एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, फाइंड द क्वेश्चन नंबर 3-4 एंड समथिंग, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ, फाइंड द रेजिस्टेंस, दैट रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालना है क्वेश्चन में, जैसा आप देख सकते हैं। अब रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालना है तो रेजिस्टेंस के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, R इज इक्वल्स टू V बाय R, है ना, तो R तो तकलीफ वाली नहीं है, मेरे को V चाहिए, तो V कैसे मिलेगा, तो V का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, V का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन का यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस टू, अब चार्ज का यूनिट होता है एम्पियर इनटू टाइम, क्योंकि आई इनटू टी होता है, एम्पियर टाइम है, एम्पियर इनटू सेकेंड, अब जब इसको इवैल्यूएट करेंगे तो यहां पे आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर, वहां पे आई चाहिए तो आई के रिस्पेक्ट में रखते हैं आई, ठीक है, तो दिस इज केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस थ्री और आई माइनस वन, ये आपका पोटेंशियल का डायमेंशन हो गया, इसे उठाइए यहां रख दीजिए, सो आर का आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस इज
केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस थ्री एंड आई माइनस टू, ये आपके रेजिस्टेंस का डायमेंशन हो जाता है। इज इट क्लियर? सो दिस आपका आंसर यहां पे डिजाइन है। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल और नॉन इलेक्ट्रिकल डायमेंशन के किस प्रकार के सवाल आते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आपको इन सवालों को सॉल्व करना है। तो चीजें क्या रखेंगे, मेजरमेंट में दो सेक्शन है बेटा। पहला सेक्शन कहां पे है? पहला सेक्शन जो आता है वो डायमेंशन एनालिसिस वाला सेक्शन आता है। डायमेंशन एनालिसिस में दो टाइप के डायमेंशन होते हैं, इलेक्ट्रिकल डायमेंशन है नॉन इलेक्ट्रिकल डायमेंशन। तो आपका ध्यान, आपका कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रिकल डायमेंशन की ओर होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डायमेंशन ज्यादातर पूछे जाते हैं, मतलब अगर 10 सवाल यूनिट मेजरमेंट पे पिछले 10 सालों में आए होंगे तो उसमें 7 से 8 सवाल इलेक्ट्रिकल डायमेंशन के ही होते हैं। सो इसलिए इलेक्ट्रिकल डायमेंशन आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगली क्लास, अगले सेशन में, अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एरर के बारे में, क्योंकि उस टॉपिक का दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन है एरर। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे एरर के बारे में। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।